एक दिन खानपुर महर के मुखी जगणमल और उनके भाई शहनशाह सदगुरु साईं सतरामदास साहब के पास पहुंचे और कहा, हरिओम साईं। हरिओम, कैसे हो भाई? घर में सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है साईं, हमारा घर घर नहीं नरक बन गया है। क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? सच्चे साईं, कुछ प्रेतात्माओं ने हमारा और हमारे घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया है साईं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो बस केवल आप ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे अधीर ना हो भाई, हमें अच्छी तरह बताओ क्या बात है। साईं, हमारे घर में कुछ पेड़ हैं, काफी समय से उन पेड़ों पर कई भूत प्रेत वास करते हैं। जिन्होंने हमें परेशान कर रखा है। अचानक ही उन पेड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, पेड़ों की डालियां नीचे आ जाती हैं और वहां बैठे या खड़े हुए लोगों के सिर पर लगने लगती हैं। पेड़ अपने आप बिना हवा के ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा घर हिल रहा हो। बच्चों को डरावनी शक्लें नजर आती हैं, तो बच्चे चीखते चिल्लाते भागकर बिस्तर में छुप जाते हैं। कभी कभी रात के समय अचानक हंसने और रोने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। घर की औरतें अपने आप में नहीं रहती और माहौल बिल्कुल डरावना हो जाता है। घर के मर्द बिना वजह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कितने औलिया, कितने पंडित, कितने पीर फकीर आए पर कोई कुछ ना कर सका। वो प्रेतात्माएं उनके सामने भी ऐसे ऐसे करिश्मे करती है कि सभी भाग जाते हैं। कहते हैं कि हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। कितने तंत्र मंत्र करने वाले भी डर कर भाग गए। जैसे ही वो कोई मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, प्रेत आत्माएं उनसे पहले ही वो मंत्र पढ़कर जोर जोर से कहती है कि ये मंत्र हमारे पहले ही पड़े हुए हैं। ये सुनकर तांत्रिक भी वहां से भाग खड़े होते हैं। घर छोड़ने की कोशिश भी की पर कोई खरीदार ही नहीं मिला। ऐसे माहौल में जीने से बेहतर तो मौत है, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए साईं। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मालिक सबका भला करेंगे। शायद वो आत्माएं अपनी राह से भटक गई हैं, पर तुम धीरज रखो, वो आत्माएं भी सुखी होंगी और तुम भी सुखी होगे। उनकी अर्ज सुनकर सचे साईं का मन, जो दया का सागर है, विचलित हो उठा। सचे साईं ने उन्हें तारीख और समय बताया और बताई हुई तारीख और समय पर सचे साईं खानपुर महर में मुखी जगणमल के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने संगत को ईश्वर का संदेश सुनाना शुरू किया। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख, शांति और अशांति देते हैं। अगर इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, नाम सिमरन करेंगे, तो देह त्यागने के बाद हमें शांति मिलेगी। मालिक से आत्मा का मिलन होगा और हमारी आत्मा देव गति पाएगी। अगर हम इस जन्म में गलत कर्म करेंगे, दूसरों को दुख देंगे, उन्हें सताएंगे, तो मरने के बाद हमारी आत्मा भटकती रहेगी, अशांत रहेगी, बेचैन रहेगी, और उस अशांति और बेचैनी से हमारी आत्मा दूसरों को तकलीफ पहुंचाने लगेगी। हकीकत में हर आत्मा पावन पवित्र होती है, लेकिन आत्मा के दुख देने वाले स्वभाव के कारण हम उसे भूत, प्रेत, भटकती आत्मा, भटकती रूह या ऐसे ही हीन नामों से पहचानते हैं। लेकिन जब फिर वो ही आत्मा संतों के सत्संग में आती है
और वचन अपनाती है तो देव गति को पाती है। इसलिए हर किसी को अच्छा कर्म करके अपना जीवन संवारना चाहिए, जैसे वो यहां भी सुखी रहे और वहां भी सुख पाए। सच्चे साईं सदगुरु संत सतरामदास साहेब ने उन्हें कई तरह के उपदेश सुनाकर उनका हृदय पवित्र कर दिया। वहां उपस्थित प्रेमियों ने अपनी आंखों से देखा कि वो भूत प्रेत भी पेड़ों से उतरकर उस सत्संग में आकर बैठ गए। जैसे जैसे वो साईं के दृष्टांत सुनते गए, वैसे वैसे उनकी कुबुद्धि सुबुद्धि में बदलती गई। सभी साईं के सामने हाथ बांधे चुपचाप उनकी वाणी सुनते रहे। सत्संग पूरा होने पर साईं ने प्रसाद उन पेड़ों की तरफ बढ़ाया और कहा, हे फकीरों, प्रभु की आशीर्वाद का प्रसाद ग्रहण कीजिए और प्रेत योनि को त्याग कर देव योनि पाइए, जैसे उस मालिक की मेहर आप पर हो। खुद भी सुखी रहिए, औरों को भी सुख दीजिए। साईं के मुख से निकली प्रार्थना को ईश्वर का आदेश मानकर सच्चे साईं के हाथों से गुम हो रहा प्रसाद और अचानक वहां फैली हुई स्वर्ग से भी ज्यादा सुगंधित खुशबू ने घर का माहौल अति पवित्र कर दिया। हर तरफ शांति ही शांति छा गई और इस तरह शहंशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहेब जी ने अपनी रहमत से दुखियों को सुखी किया, दैत्यों को देव बनाया और उन्हें जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया।